चलिए कुछ मजीद डेफिनेशंस देखते हैं। स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं? द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ एफ, फंक्शन के ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जो फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, फंक्शन के ऊपर ही मौजूद वो पॉइंट जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का स्टेशनरी पॉइंट। जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ जाए, वहां पे उस एक्स की वैल्यू को जब हम फंक्शन एफ में लगाएंगे और जो हमें एक्स वाई पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट क्या होगा, उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का स्टेशनरी पॉइंट होगा। और अगर हम बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता क्या है हमारा किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है उस पॉइंट के ऊपर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या आ गई है, जीरो आ गई है। और टेंजेंट लाइन की स्लोप जीरो कब आएगी, किसी लाइन की स्लोप जीरो कब होती है, जब वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो अगर फंक्शन के ग्राफ में मैं किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाऊं और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो इसका मतलब है वहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। और मैं उन पॉइंट्स को, वो जितने भी एक से ज्यादा अगर पॉइंट्स हैं, मैं उनको स्टेशनरी पॉइंट्स बोलूंगा। तो जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, या फिर हम ऐसे कहेंगे जहां पे टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट के ऊपर अगर बनाई जाए, फंक्शन के ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट लें और उसके ऊपर टेंजेंट लाइन बनाएं और वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, यानी हॉरिजॉन्टल हो, वो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बन जाए, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर फंक्शन के पास रिलेटिव मैक्सिमम हो सकता है, फंक्शन के पास रिलेटिव मिनिमम हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा स्टेशनरी पॉइंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को देखते हैं और उसके बाद हम इनको एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जहां पे ना तो रिलेटिव मैक्सिमम हो और ना ही रिलेटिव मिनिमम हो। स्टेशनरी पॉइंट सबसे पहले होना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, उसके बाद वो पॉइंट जहां पे ना तो रिलेटिव मैक्सिमम हो और ना ही रिलेटिव मिनिमम हो। तो आइए अब हम इनको ग्राफिकली देखते हैं, इन सब चीजों को कुछ एग्जांपल्स की मदद से। सबसे पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं जी, इसमें देखें आप, ये आपने एक, आपके पास एक फंक्शन का ग्राफ है और इस पॉइंट सी एफ ऑफ सी के ऊपर देखें, यहां देखें स्लोप, ये आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया इस पॉइंट के ऊपर और टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या आ रही है, जीरो आ रही है, यानी आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया हुआ है। तो यहां पे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो ये सी एफ ऑफ सी क्या होगा, इस एफ ऑफ एक्स का स्टेशनरी पॉइंट होगा। तो जैसे डेफिनेशन में हमने देखा कि जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, और इसका मतलब ग्राफिकली क्या था कि जहां पे अगर आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए। तो देखिए स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। और उसके बाद हमने देखा कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए तीन पॉसिबिलिटीज थी कि वो स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर फंक्शन के पास रिलेटिव मैक्सिमम होगा, रिलेटिव मिनिमम हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, यानी ना तो रिलेटिव मैक्सिमम होगा और ना ही रिलेटिव मिनिमम होगा। तो आइए सबसे पहले हम रिलेटिव मैक्सिमम को देखते हैं। तो ये देखें स्टेशनरी पॉइंट से पहले स्लोप पॉजिटिव है, ये देखें आप स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर स्लोप जीरो होगी, उसके बाद देखें स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आपका फंक्शन इससे पहले इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, स्लोप इधर पॉजिटिव है, उधर स्टेशनरी पॉइंट से पहले पॉजिटिव है, स्टेशनरी पॉइंट के बाद नेगेटिव है। और आप यहां फिगर से देख सकते हैं सी एफ ऑफ सी के ऊपर फंक्शन के पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम है। तो आपने देखा कि स्टेशनरी पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है इस एग्जांपल में, कि इससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव है टेंजेंट लाइन की, और आपके पास सी इस स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर फंक्शन के पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम। यहां इस एग्जांपल में देखिए जी, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप आपने टेंजेंट लाइन बनाई और उसकी स्लोप क्या आ रही है, जीरो, यानी ये स्टेशनरी पॉइंट है। और इससे पहले देखें, इससे पहले स्लोप आपकी क्या है, नेगेटिव है, ये देखें स्लोप नेगेटिव है, और इस पॉइंट के बाद देखें स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी इस पॉइंट से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, इस पॉइंट के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहां आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट, ये जो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है, इस स्टेशनरी पॉइंट पे आपके पास ग्राफ से आपको जाहिर हो रहा है कि यहां पे फंक्शन के पास क्या है, रिलेटिव मिनिमा है,
फंक्शन के पास क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। तो ग्राफ से आपको क्लियर यहां से भी हो रहा है कि फंक्शन के पास इस स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो हमने स्टेशनरी पॉइंट के बारे में की थी कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जहां पे ना तो फंक्शन के पास रिलेटिव मैक्सिमम और ना ही रिलेटिव मिनिमम। तो यहां देखें, ये ओरिजिन पे आप जब टेंजेंट लाइन बनाएंगे इस फंक्शन के लिए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है, स्लोप क्या आ गई है, जीरो आ गई है, ये हमें स्टेशनरी पॉइंट मिल गया है। अब हमने देखना है कि ये स्टेशनरी पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है, यानी यहां मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मिनिमम है। तो ग्राफ से ही हम देख सकते हैं कि यहां पे रिलेटिव मैक्सिमम भी नहीं है और रिलेटिव मिनिमम भी नहीं है। और इसके अलावा देखें कि इससे पहले देखें आपकी स्लोप पॉजिटिव है, यानी टेंजेंट लाइन ऐसी बन रही है तो स्लोप पॉजिटिव होगी। और उसके बाद अगर आप इस पॉइंट के बाद देखते हैं तब भी स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। तो आपकी ये टेंजेंट लाइन चूंकि ऐसी बन रही है तो आपका जो इस टेंजेंट लाइन की जो इंक्लिनेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, और ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट का जवाब पॉजिटिव होता है। तो यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, और आप यहां से देख भी सकते हैं कि टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इस स्टेशनरी पॉइंट से पहले भी स्लोप पॉजिटिव थी, इसके बाद भी स्लोप पॉजिटिव है, यानी यहां पे ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। और वो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ना तो रिलेटिव मैक्सिमा हमें यहां मिल रहा है और ना ही रिलेटिव मिनिमम मिल रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए टर्निंग पॉइंट की, कि अ स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट इफ इट इज आइदर अ मैक्सिमम और अ मिनिमम पॉइंट। यानी ऐसा स्टेशनरी पॉइंट उसको हम टर्निंग पॉइंट बोलेंगे जहां पे रिलेटिव मैक्सिमम हो फंक्शन के पास या फिर रिलेटिव मिनिमम हो। तो जैसे हमने दो एग्जांपल्स में देखा, जैसे ये एग्जांपल देखें आप कि ये स्टेशनरी पॉइंट है, इससे पहले देखिए क्या है, स्लोप पॉजिटिव, इसके बाद स्लोप नेगेटिव। यहां पे आपके पास ग्राफ से पता चल रहा है यहां रिलेटिव मैक्सिमम है। तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। आप यहां से भी देख सकते हैं कि यहां आपके पास इस स्टेशनरी पॉइंट पे क्या है, यहां रिलेटिव मिनिमम है फंक्शन के पास। तो ऐसे स्टेशनरी पॉइंट जहां पे रिलेटिव मैक्सिमम हो या रिलेटिव मिनिमम हो उनको हम टर्निंग पॉइंट बोला करेंगे, और ऐसे स्टेशनरी पॉइंट जहां पे ना तो फंक्शन के पास रिलेटिव मैक्सिमम हो और ना ही रिलेटिव मिनिमम हो उन पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।